यहाँ पे देखो नंबर 12 में है, स्पीड ऑफ ए कार इज 50 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितना दिया है देखो, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड मीन्स एक सेकंड में वो 50 मीटर जाता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर अ ब्रिज ऑफ लेंथ 80 मीटर, तो उसे कितना टाइम लगेगा एक ब्रिज जो कि 80 मीटर है उसको कवर करने में, ठीक है। तो पहले ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि 80 मीटर जो ब्रिज है, ये एक ब्रिज है 80 मीटर ब्रिज, सपोज ये 80 मीटर ब्रिज है, ये 80 मीटर ब्रिज को कवर करने के लिए एक कार को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर वो स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड दे दिया है 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि इन वन सेकंड द कार गोज टू 50 मीटर, ओके। इन वन सेकंड द कार गोज टू 50 मीटर, मतलब एक सेकंड में 50 मीटर जाता है। ये हम उल्टा से लिख सकते हैं, इन 50 मीटर डिस्टेंस, 50 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, 50 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन वन सेकेंड, ठीक है। 50 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन वन सेकेंड, मतलब एक 50 मीटर जाने में वो एक सेकेंड लगाता है, क्योंकि स्पीड दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। तो 800 मीटर जाने में उसका कितना टाइम लगेगा, 800 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, दैट मीन्स 800 ऊपर में चला जाएगा, 50 नीचे आएगा, 50 यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये इसको हम लोग काट देते हैं, 0 0 कैंसिल आउट। तो अगर 80 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 1 5, इट इज 3, 0 कम, इट इज 16, सो इट टेक 16 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट कि कार को ये आपका ब्रिज कवर, 80 मीटर लेंथ ब्रिज कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 16 सेकंड लग रहा है, ठीक है। 50 मीटर जाने में एक सेकंड लग रहा है, तो 800 मीटर जाने में उसका 16 सेकंड लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर आफ्टर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है तो 3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस, मतलब कितना दूर वो जा सकता है। तो तीन घंटा दे दिया है, 1 आवर, देखो यहाँ पे 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, 1 आवर मीन 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड, 60 मिनट, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 आवर का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 × 60 सेकेंड्स। यहाँ पे कितना दिया है, 3 आवर्स में कितना कंप्लीट करेगा, तो 3 आवर्स मीन्स 3 × 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा टाइम है 3 घंटे में कितना दूर जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इन 1 सेकेंड द कार कवर्स कितना, 50 मीटर, सो इन 3 × 60 × 60 सेकेंड में कार कितना कवर करेगा, 50 × 3 × 60 × 60, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे कितना मीटर हो रहा है, 60 × 60 0 0 0 36, ठीक है। तो 0 0 6 36, उसके बाद 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 3 8 18, कैरी 1 1 0 8 0, फिर आपका 50 है, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 से पहले 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, देन अगेन 0, देन 5 इट जा 40, कैरी 4, देन 4 विल कम, देन 5, तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 0 0 0 0 4 5, तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 5 4 5 4 0 0 0 0, इतना मीटर वो कवर करेगा, ठीक है इतना मीटर वो कवर करेगा। तो इसको हम लोग किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, बट हमें मीटर में भी हम लोग रख सकते हैं। तो ये था हमारा नंबर 12 का क्वेश्चन कि अगर हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर आफ्टर 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर, 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 आवर का मतलब क्या है 60 into 60 seconds, तो 3 आवर्स का मतलब क्या है जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आवर्स का मतलब है इतना सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 50 मीटर जाता है, तो 3 into 60 into 60 seconds में कितना दूर जाएगा 50 × 3 into 60 into 60, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 4 0 0 0 0 मीटर। ओके नेक्स्ट हम विल डिस्कस नंबर 13।